अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रियली एक्साइटेड टुडे क्योंकि मेरा जो फ्रीलांस राइटिंग का कोर्स था, आज मैं उसकी पहली वीडियो बना रहा हूँ। इट्स ए बिगिनर्स फ्रीलांस राइटिंग कोर्स जिसके अंदर मैं सब कुछ कवर करूँगा, फ्रॉम आपने लिखना कैसे है और उसके लिए रिसर्च कैसे करनी है, और फिर उसके बाद क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, ये सब कुछ मैं इस कोर्स के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। और मैंने बहुत डिबेट की इस बारे में कि मुझे ये कोर्स स्टार्ट करने के लिए पहले किस चीज़ से शुरू करना चाहिए। आया ये कि मैं आपको काम पकड़ना सिखाऊं या मैं आपको पहले काम करना सिखाऊं। और देन आई केम टू द जनरल कंक्लूजन कि आपको काम पकड़ने का फ़ायदा तब भी है अगर आपको काम करना आता हो। सो पहले आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू राइट एक ब्लॉग पोस्ट, और देन आई एम गोइंग टू बी कमिंग टूवर्ड्स अदर पार्ट्स जैसे कि पेमेंट मेथड और क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। अगर आपको आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आए हैं और आपको आइडिया नहीं है कि फ्रीलांस राइटिंग क्या होता है, तो मैंने पहले ही इस पर बहुत सी वीडियोस बना लिया। आई लीव टू ऑफ देम आप ऑन दी आई बटन, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट रिसर्च कि एक क्लाइंट ने आपको एक ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए एक टॉपिक दिया, और उस टॉपिक पे आपने रिसर्च कैसे करनी है। पहले हम रिसर्च करेंगे और इसके बाद अगली वीडियो इज़ गोइंग टू बी अबाउट उसको लिखना कैसे है। इस वीडियो में मैंने जो रिसर्च किया है उसका एक गूगल डॉक्यूमेंट बना के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ा हुआ है। आप उसको एक्सेस करेंगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी कि मैंने जो रिसर्च किया है उसकी फाइनल शक्ल क्या निकली है, एंड दैट शुड हेल्प यू अलॉट। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। ऑलराइट, सो बेसिकली जब आप रिसर्च करने लगे हो तो आपको सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आपकी रिसर्च का मेथड क्या होगा, आप क्या स्टेप्स इस्तेमाल कर रहे हो ड्यूरिंग रिसर्च। सो मैं पर्सनली तीन स्टेप्स में रिसर्च करता हूँ, जिसके अंदर पहला स्टेप ये है कि मैं बेसिक इन्फो या बेसिक मटेरियल गैदर करूँ जिसके बारे में मैंने लिखना है। ऑब्वियसली इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, दिस इज़ गोइंग टू बी द बल्क ऑफ द वर्क जो कि आप करने लगे हैं रिसर्च के टाइम पर। दूसरा स्टेप ये होता है कि मैं ऐसे रेफरेंसेस यानी कि ऐसी रिसर्चेस ढूंढूं कि जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या वो इन्फॉर्मेशन जो कि मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी ब्लॉग पोस्ट के अंदर वो उसको सप्लीमेंट कर सकें। सो तीसरा स्टेप इज़ गोइंग टू बी फाइंडिंग स्टैट्स, और स्टैट्स जो हैं वो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा क्रेडिबिलिटी बूस्टर होते हैं आपकी ब्लॉग पोस्ट के लिए और आपकी राइटिंग के लिए। सो विदाउट फर्दर एडू अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक लाइव एग्जांपल जिसके अंदर मैं एक टॉपिक पे रिसर्च करूँगा। अच्छा, तो हमारा टॉपिक आज के आर्टिकल के लिए होने वाला है स्क्रीन टाइम फॉर किड्स, यानी कि जो छोटे बच्चे हैं वो कितनी देर के लिए कोई भी स्क्रीन इस्तेमाल करें कर सकते हैं, जिसमें फ़ोन भी आ गया, लैपटॉप वगैरह ये सब कुछ आ गया। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप ये होने वाला है कि आपने स्क्रीन टाइम फॉर किड्स को गूगल में सर्च करना, और इसके ऊपर जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने ये और लोगों की ब्लॉग पोस्ट्स आ जाएंगी, ये भी है, इसके अलावा पूरे फ्रंट पेज पे आगे भी ज़ाहिर है जितना मर्ज़ी आगे आप जाते रहें आपको ब्लॉग पोस्ट्स मिलती रहेंगी। आपने ये करना है कि पहली पांच सर्च रिजल्ट्स जो आपके सामने आ रही है, जैसे कि ये आर्टिकल है और इसके नीचे के चार आर्टिकल, ये आपने खोल लेने हैं, जो कि मैंने पहले ही मैं खोल चुका हूँ, उन्हें पढ़ भी चुका हूँ। आपने इन्हें खोलना और इन्हें पढ़ना है थॉरली, शुरू से लेकर एंड तक आपने इन्हें कम्प्लीटली पढ़ना है और समझना। लोग मेरे से बहुत ज़्यादा ये सवाल करते हैं कि अगर हमें एक टॉपिक के बारे में नहीं पता खुद से तो हम उसके ऊपर कैसे लिख सकते हैं, तो ये वो तरीका है कि जिसके थ्रू आप लिख सकते हैं। क्योंकि जब आपने किसी भी टॉपिक के ऊपर पाँच से छः आर्टिकल पढ़ लिए ना, तो आप एक आम बंदे से ज़्यादा जानते हैं उस टॉपिक के बारे में, और आप उसके ऊपर लिख सकते हैं ईजीली। अनलेस वो टॉपिक इतना टेक्निकल है कि फॉर एग्जांपल वो मेडिकल रिलेटेड टॉपिक है या टेक्नोलॉजी रिलेटेड टॉपिक, कोई इस तरह की चीज़ है जो कि आम बंदा नहीं समझ सकता या उस इंडस्ट्री के अलावा बाहर का बंदा नहीं समझ सकता। मोस्टली टॉपिक्स जो हैं वो इस तरह आप ईज़िली समझ सकते हो। आपने पाँचों के पाँच आर्टिकल पढ़ने हैं, और वाइल यू आर रीडिंग दोज आर्टिकल्स आपने छोटे छोटे पॉइंटर्स बनाते जाने हैं या बुलेट पॉइंट्स बनाते जाने हैं उस इंफॉर्मेशन के जो कि आपको लगे कि यार ये मैं अपने आर्टिकल में ऐड करना चाहता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ भी करो, लेकिन आपने सिर्फ बुलेट पॉइंट्स बनाते जाने हैं। एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, आपने कभी भी जब भी बुलेट पॉइंट्स बना रहे हो ना अपने आर्टिकल के लिए, आपने इस तरह नहीं करना कि बस ओ ये पॉइंट मुझे अच्छा लगा, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर दूँ,
ये काम नहीं करना आपने। क्यों? आप किसी की लाइन उठा के नहीं इस्तेमाल कर सकते हो अपने आर्टिकल में, आपने अपने वर्ड्स बनाने हैं। एंड सो अगर आपके पास ये लाइन है, ये इन्फॉर्मेशन है कि जो कि आप कहते हो कि यार ये मैं अपने आर्टिकल में ऐड करना चाहता हूँ, तो आपने इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट कि बेबीज़ यंगर देन 18 मंथ्स शुड हैव नो स्क्रीन टाइम एट ऑल, आपने एक छोटा सा बुलेट पॉइंट बना लेना अपने लिए, नो स्क्रीन टाइम बिफोर 18 मंथ्स ऑफ एज। ठीक है, आपने ये छोटा सा अपने लिए एक बुलेट पॉइंट बना लिया। अब इसके ऊपर आपने जब लिखना है ना, लिखते वक्त आपने इस पे एक्सपैंड खुद करना है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का को एक्सप्लेन आपने खुद करना है। और जब आप इसको छोड़ देंगे और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसके वर्ड्स को अवॉइड कर लेंगे और अपने वर्ड्स में कुछ ना कुछ लिख लेंगे। ये सब कुछ मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इस आर्टिकल के लिए जो कि यहाँ पे मैंने कर लिया। 5 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब मैंने किया क्या है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यही आपके आर्टिकल के स्ट्रक्चर का भी फैसला करेगी। सबसे पहले ये जो मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये बोल्ड लाइंस ये सब हेडिंग्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं यही सब हेडिंग्स यूज़ करूं, लेकिन मेरे जहन में 5 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद मेरे जहन में जो स्ट्रक्चर आया कि यार मुझे इस टॉपिक को इस तरह डील करना चाहिए, ये उसके अंदर मेंशन करना चाहिए, उसकी ये सब हेडिंग्स होनी चाहिए, वो मैंने लिख ली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले इंट्रो है, और इंट्रो के अंदर मैंने ये 3 पॉइंट्स लिख लिए कि इनको मैंने एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद सबसे पहली सब हेडिंग मैं ये लिखना चाहता हूँ, उसके अंदर ये 2 मेन पॉइंट्स हैं, अब इनको मैंने फर्दर एक्सपेंड करना है, और कितना एक्सपेंड करना है ये भी ज़ाहिर है आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। होपफुली वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर होगा जो लिखने वाला पार्ट है। अरे ज़रूरी नहीं है एज आई सेड कि दे मेक सेंस, या ये कि आपने वो ज़रूर इस्तेमाल करने हैं, या ये कि आपने जो स्ट्रक्चर दे दिया ये फाइनल स्ट्रक्चर है, ये ज़रूरी नहीं है। आप बस लिखते जाओ और डोंट बी टू क्रिटिकल अबाउट ये पॉइंट्स, बस इन्फॉर्मेशन गैदर करते जाओ ताकि आप इस पे एक्सपैंड कर सको लेटर ऑन और चूज़ कर सको कि मुझे ऐड करना है या मुझे ऐड नहीं करना। अच्छा, अब आपके पास ये बेसिक इन्फो आ चुकी है, आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको पता आपने लिखना क्या है। अब आपने रिसर्च के दौरान क्या करना है कि आपने जो लिखना है उसको सपोर्ट करने के लिए और रिसर्चेस ढूँढनी है कि जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू को सप्लीमेंट कर सकें। इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने गूगल पर जाना है, गूगल स्कॉलर पे जाना है जो कि बेसिकली एक सर्च इंजन है रिसर्चेस का। तो गूगल स्कॉलर का लिंक है ये scholar.google.com, मैं अगर आपको दिखा दूँ पूरा ऐसे, तो scholar.google.com इनका लिंक है, यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है एज यू कैन सी स्क्रीन टाइम फॉर चिल्ड्रन, अपना जो भी टॉपिक है मेन थीम है उसको सर्च करना है और आपके सामने ये रिसर्चेज आ जाएंगी, और इनको भी आपने पढ़ना और आपने देखना है कौन सी रिसर्च ऐसी है कि जो कि मैं अपने आर्टिकल के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ, या अपना जो भी मैं कोई भी पॉइंट है बीच में उसको क्लियर करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इस सारे प्रोसेस के अंदर मुझे ये एक रिसर्च मिली थी जो कि मुझे यूज़फुल लगी थी। अब आप रिसर्च पढ़ते वक्त आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपने सिर्फ ये रिज़ल्ट्स और कंक्लूजन्स पढ़ने हैं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है रिसर्चेस के अंदर, कई लोगों ने मेथड्स और ये बैकग्राउंड वगैरह भी लिखा होता है सब, आपने ये सब छोड़ देना, आपने सिर्फ रिज़ल्ट्स और कंक्लूजन्स पढ़ने हैं। इसके अंदर जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें मुझे ये बहुत काम का लगा था, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं विद इन द आर्टिकल। अब आपने करना क्या है कि आपने कॉपी कर लेना है लिंक उस रिसर्च का, और जहाँ पे आपको लगता है कि यार दिस वुड मेक सेंस मेरे आर्टिकल में यहाँ करके, जैसे मुझे लगता है कि इंट्रो के अंदर ये अच्छा रहेगा, या फिर अफेक्ट्स अफेक्ट्स जैसे स्क्रीन टाइम फॉर किड्स यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, जहाँ पे मैं अफेक्ट्स बता रहा हूँ एक्सेस स्क्रीन टाइम के, वहाँ पे मैं ये रिसर्च साइट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका ऐसे लिंक डाल दूँगा। स्टैट्स के लिए आपने एक वेबसाइट इस्तेमाल करनी है विच इज़ statista.com, ये मेरी गो टू वेबसाइट है स्टार्ट्स जोड़ने के लिए। हर चीज़ पे शायद स्टार्ट्स मुश्किल से मिले हैं, लेकिन मोस्टली मेजर चीज़ों पे आपको स्टार्ट्स मिल ही जाते हैं। यहाँ पे आपने यहाँ पे आके सर्च करना है अपना जो टॉपिक है स्क्रीन टाइम फॉर किड्स, सर्च किया, इसी तरह आपके सामने जो है ना
ये सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे और आपके पास कुछ स्टैट्स आ जाएंगे रिलेटेड टू आपका टॉपिक। अब ये भी सब कुछ मैं पहले कर चुका हूँ और मुझे ये 3 मिली थी, ऐसे स्टैट्स मिले थे जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। अब स्टेटिस्टा के बारे में आपने ये चीज़ें इनमें रखनी है कि इस पे कुछ स्टैट्स होते हैं दैट यू कैन ओनली एक्सेस वंस यू हैव उनका अकाउंट, यानी कि स्टेटिस्टा का आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि $59 अ मंथ है, और ये ना तो मेरे पास है ना ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये लें। इसका आसान तरीका ये है कि आप जब नीचे जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक डिटेल दी होती है अपने स्टैट की, और यहाँ पे मोस्टली इन्होंने मेजर बात लिखती होती है स्टैट की। तो यहाँ पे ये लाइन काम की है कि अराउंड 93.7% ऑफ बॉयज़ एज्ड बिटवीन 10 एंड 14 ईयर्स हैड मोर देन 2 आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम पर डे, यानी कि 10 से 14 साल के बच्चों में 93.7% बॉयज़ ऐसे हैं कि जो कि 2 घंटे से ज़्यादा किसी भी स्क्रीन को इस्तेमाल करते हैं, बी इट फ़ोन या कुछ भी। हम यहाँ पे अपने इंट्रो में इसको ऐड कर सकते हैं कि 93.7% बॉयज़ यूज्ड अ स्क्रीन फॉर मोर देन 2 आवर्स अ डे, बॉयज़ एज्ड 10 to 14 कर दो। और यहाँ पे साथ ही हमने लिंक भी दे दिया 93.7, यहाँ पे हमने लिंक भी दे दिया। ठीक है, अब इसी तरह और भी 2 स्टैट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी इन्होंने, इवन अगर ये कहता है आपको प्रीमियम अकाउंट चाहिए, आप नीचे उसकी डिटेल पढ़ें तो यहाँ पे आपको और डिटेल मिल जाएगी। और यहाँ पे ये प्रीमियम स्टैट नहीं है तो ये स्टैट आपके सामने है कि 49% और ये जो भी परसेंटेजेस वगैरह, ये आप यूज़ कर सकते हैं विद इन द आर्टिकल। और वंस यू डन विद दिस तो आपका रिसर्च पार्ट जो है वो इनिशियल रिसर्च आपकी कंप्लीट हो गई है। मैं यूजुअली ये करता हूँ कि अपने आर्टिकल की रिसर्च ख़त्म नहीं करता ऐसे, अब मैं लिखना शुरू करता हूँ और लिखते लिखते मेरे जहन में अगर कोई चीज़ आती है या मुझे कोई और मटेरियल चाहिए होता है तो उसको मैं फिर साथ साथ रिसर्च कर लेता हूँ। हर चीज़ आपके पास पहले होना, शुरू करने से पहले होना ज़रूरी नहीं है, हर मटेरियल शुरू होने से पहले, लिखने से पहले आपके पास होना ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ ज़हन में रखें, बेसिक मटेरियल इकट्ठा करें, लिखना शुरू करें और लिखते लिखते आपके ज़हन में आएगा कि यार ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है या इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको आप वाइल राइटिंग रिसर्च कर सकते हैं। Alright guys, so that was my video on how to research for a blog post. अगली वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने लिखना कैसे है. उसमें भी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा और ये आर्टिकल लिख के उसका एक पब्लिश्ड वर्जन, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा ताकि आप उसको भी प्रैक्टिकली चेकआउट कर सकें. टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज़ खलील. अल्लाह हाफिज़.